दोस्तों सैंपल पेपर का पार्ट टू लेके आने वाला हूँ, प्रॉपर लेके आ जाऊँ आपके लिए क्लास 11th अकाउंटेंसी के लिए। ठीक है दोस्तों, थोड़ा सा लेट हो गया जैसे कि आप देख रहे होंगे, मेरी वॉइस भी बहुत डाउन हो रखी है, थोड़ा सा मेरा मतलब प्रॉब्लम हो रखी है, तब भी स्टिल मैं आपके लिए पार्ट टू लेके आया हूँ। आई थिंक आपको प्रॉपर हेल्प मिल सके इससे। तो स्टार्ट करते हैं। जैसे हमने पार्ट वन के अंदर क्या देखा था, 1 to 10 के क्वेश्चंस के आंसर मैंने आपको करवा दिए। अगर पार्ट वन नहीं देखा बायो में मिल जाएगा, बाकी लिंक आपको डाउन वहाँ से देख सकते हो फटाफट से। पार्ट वन, पार्ट टू की प्रॉपर बात करें जिसमें मैं 11 to 20 क्वेश्चन करवाऊंगा आपको। ठीक है, तो ये पार्ट टू है, तो स्टार्ट करते हैं डायरेक्ट हम क्वेश्चन नंबर 11 से। स्टार्टिंग के मैंने करवा दिए हैं, तो भाई फटाफट से देख लेना यार पार्ट वन। क्वेश्चन क्या आ रखा है इसका आपका, मैच द फॉलोइंग करके। तो क्वेश्चन देखते हैं, मैच द फॉलोइंग ऑप्शंस, आपको क्वेश्चन दे रखा है उसमें मैच करना है कि कौन सा क्या है। तो आपको पता होना चाहिए जो जनरल रिजर्व है, रिजर्व आर क्रेडिट फॉर स्पेसिफिक रिजर्व। ठीक है, रिजर्व मे और नॉट इन्वॉल्व इन रिसीप्ट ऑफ क्रेडिट इन बिजनेस फॉर रेनी डेज। तो जनरल रिजर्व क्या होता है बेसिकली, आपको पता होना चाहिए। जनरल रिजर्व वो रिजर्व होता है जो कि बेटा किसी भी पर्पस में यूज हो जाता है। क्या होता है, किसी भी पर्पस में यूज होता है। जैसे इस रिजर्व आर क्रेडिट फॉर स्पेसिफिक पर्पस, दैट इज स्पेसिफिक रिजर्व, यानी बी का क्या हो जाएगा फर्स्ट। यही बात समझ। ऐसे कैपिटल रिजर्व बेसिकली क्या होता है, कैपिटल रिजर्व की बात करते हो जो कि क्या होता है, रिजर्व मे और मे नॉट इन्वॉल्व एनी रिसिप्ट और कैश। और जनरल रिजर्व की बात करूँ तो इसका कोई स्पेसिफिक पर्पस नहीं होता, तो क्रिएटेड इन बिजनेस फॉर रेनी डेज, मतलब मुसीबत के दिनों के लिए ये क्या यूज किया जाता है जनरल रिजर्व। तो इस ऑर्डर में क्या होंगे, ये मैच हो रहे होंगे। अगर हम चेक करें बी ऑप्शन इससे पूरा मैच कर रहा है, आप देख सकते हो फर्स्ट का थर्ड पार्ट, बी का फर्स्ट पार्ट, सी का सेकेंड पार्ट, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। और ये सैंपल पेपर अगर आप देख रहे हो तो इसी वे में आपको प्रिपेयर करना है आपके फाइनल के लिए, क्योंकि इसी टाइप से आपको पेपर मिलेगा प्रॉपर। ठीक है दोस्त, और बाकी आप कमेंट करते रहो ताकि मैं चैप्टर वाइज भी आपके लिए एमसीक्यू लेके आऊँ, वन शॉट जैसे हमने पहले भी लाए थे, फिर आपके लिए वन शॉट लेके आएंगे। ठीक है, तो फटाफट से बात करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट फिक्स डेसर्ट, 12 क्वेश्चन है इसमें पूछ रहा है इनमें से कौन सा फिक्स डेसर्ट नहीं है दोस्त। तो जो कंप्यूटर है वो प्रॉपर चलता है, वो भी फिक्स डेसर्ट है। फर्नीचर भी है जो भी सालों साल चलता है, बिल्डिंग भी क्या है सालों साल चलता है, बट कैश को फिक्स डेसर्ट नहीं लिया जाता। नहीं, ऑप्शन डी क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका, क्योंकि ये फिक्स डेसर्ट का पार्ट नहीं होता। ठीक है दोस्त, तो इसको टिक कर लेना फटाफट से आप लोग, ऑप्शन डी। ठीक है, हाईलाइट करते तो ऑप्शन डी टिक कर लो, करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला कह रहा है रिटर्न्स ऑफ गुड्स ऑन क्रेडिट सप्लाई विल बी एंटर्ड इन, यानी रिटर्न ऑफ गुड्स परचेज्ड ऑन क्रेडिट टू सप्लाई विल बी रिटर्न। अब यहाँ पर सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए यहाँ पर हुआ क्या है, आपने रिटर्न कर रहे हो या उसने किया। तो यहाँ देखो, रिटर्न ऑफ गुड्स ऑन क्रेडिट टू सप्लाई, यानी आपने जो खरीदे थे उधार आप रिटर्न कर रहे हो, तो इसका मतलब आपके लिए परचेज रिटर्न होगा ना। अगर आपने खरीदा और आप रिटर्न कर रहे हो तो इसका मतलब दोस्त परचेज रिटर्न कर रहे हो आप, समझे, बिल्कुल सिंपल था। अगला 14 क्वेश्चन क्या कह रहा है इसको समझते हैं। व्हेन गुड्स आर रिटर्न टू द सप्लाई एज अ डैश एंड डैश पर बी द सेम अमाउंट, तो कौन सा अमाउंट लिया जाता है सेम। तो आपको पता होना चाहिए लायबिलिटी और डिक्रीज होती है, लायबिलिटी ये आएगा, सी ऑप्शन हो जाएगा। कैसे, व्हेन गुड्स आर रिटर्न टू सप्लाई एसेट, यानी अगर मान लो आपने एसेट को रिटर्न करा तो क्या हो गया होगा, टू एसेट हो गया होगा। ठीक है, क्या हो गया होगा, टू एसेट, और जिसको रिटर्न करा उसका नाम आ गया होगा। तो चेक करो मेरी लायबिलिटी और डिक्रीज हो गई होगी सेम अमाउंट से। ठीक है, तो इस टाइप से इसका आंसर आप करोगे। 15 क्वेश्चन क्या कह रहा है ध्यान से देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फिक्स्ड एसेट, अगेन इसी टाइप में एक क्वेश्चन अभी हमने ऑलरेडी करा है कि इसमें से फिक्स्ड एसेट कौन सी नहीं है। तो बताओ भाई कौन सी नहीं है दोस्त, तो आप ध्यान से देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फिक्स्ड एसेट, बताओ जल्दी। बैलेंस विद बैंक, प्लांट एंड मशीनरी, बिल्डिंग या गुडविल, क्या लगता है। ठीक है, तो बैलेंस विद द बैंक आपका फिक्स्ड एसेट का पार्ट नहीं होगा। ठीक है दोस्त, बैलेंस विद द बैंक यानी ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए ओनली। ठीक है, इन्होंने प्रिंटिंग मिस्टेक करी है, ए बी सी होना चाहिए यहाँ पर, ए बी सी डी। ठीक है, तो बाकी ध्यान रखना, बैलेंस विद द फैक्ट्स नॉट अ फिक्स्ड एसेट,
इन्हें अगर आप देख रहे हो तो एमसीक्यू आपको क्वेश्चंस मिलने ही मिलने। अगला कह रहा है आउट ऑफ द फॉलोइंग सेट विच वन इज नॉट इनटेंजिबल, इनमें से कौन सा इनटेंजिबल नहीं है, जल्दी कमेंट कर दो दोस्त। मशीनरी ऐसे ही दिख रहा है यार, पेटेंट ट्रेडमार्क गुडविल प्रॉपर अच्छे से पढ़ के आए हो, समझ रहे हो। अगला 16 क्वेश्चन की तरफ बढ़ रहे हैं हम, फटाफट से देखते हैं क्या कह रहा है। 16 क्वेश्चन कह रहा है गुड्स सोल्ड फॉर कैश 25,000 प्लस IGST सेल अकाउंट विल बी क्रेडिटेड, कितने अमाउंट से क्रेडिट होगा, 12% क्या लगा लो दोस्त, इसमें IGST लगाओगे कि नहीं, जल्दी बताओ यस और नो, क्या लगता है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 25 जारी रहेगा, क्योंकि सेल्स का तो वही अमाउंट होगा, सेल तो हमने भाई कितने की करी है, 25,000 की। ठीक है ठीक है, हम तो अलग से शो करेंगे, कैश में इफेक्ट होगा क्योंकि कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स हो जाएगा, और इसमें IGST कहाँ आ रही होगी, डेबिट साइड में, तो हमें सेल तो फर्क पड़ ही ना ही रहा, सेल्स उतने की रहेगी। ठीक है ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, 17 हाउ सीक्रेट रिजर्व कैन बी क्रिएटेड, जो सीक्रेट रिजर्व है बेसिकली वो कैसे क्रिएट किया जाता है, तो आपको पता होना चाहिए जो सीक्रेट रिजर्व है बाय चार्जिंग कैपिटल एक्सपेंडिचर वैल्यू अंडर वैल्यूएशन स्टॉक बाय मेकिंग एक्सेसिव प्रोविजन, इन सब के द्वारा क्या किया जाता है दोस्त, सीक्रेट रिजर्व को क्रिएट किया जाता है, तो ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है, व्हेन एन अकाउंट इज सेट टू बी हैड डेबिट एंड क्रेडिट बैलेंस, उसको डिफाइन करना है, थ्योरी का क्वेश्चन आया है और 5 दिन ऐसे जनरल एंट्री और एक क्वेश्चन दे रखा है जनरल एंट्री, तो इसका प्रॉपर 18 का सॉल्यूशन दिखाता हूँ मैं, चलिए व्हाइट बोर्ड में तरफ पढ़ते हैं। तो ये आपका क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, इसको हम ध्यान से समझते हैं क्या कह रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या रहा है, डिफरेंस बिटवीन द सम ऑफ टू साइड्स ऑफ अकाउंट इज कॉल्ड बैलेंस। ठीक है, हमें पता है दिस इज अ इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ एन अकाउंट, इट शोज द पोजीशन ऑफ असेट्स लायबिलिटी कैपिटल इनकम एंड एक्सपेंस विच द अकाउंट इज रिकॉर्डेड, इफ द टोटल ऑफ डेबिट साइड एक्सीड द टोटल क्रेडिट देन द वुड बी रिप्रेजेंटेड बाय डेबिट एंड अपोजिट टू द क्रेडिट बैलेंस। क्रेडिट और डेबिट बैलेंस को डिफाइन करने को आया था, जो कि आप ये प्रॉपर लिख सकते हो, एक नंबर भी नहीं कटना, गारंटेड है, प्रॉपर CBSE का आंसर बता रहा हूँ आपको। ठीक है, अगले पार्ट में बढ़ते हैं, जो कि जर्नल एंट्री देख रहे हो आप, तो यहाँ पर परचेज की जर्नल एंट्री कर रहे हैं, परचेज अकाउंट डेबिट दोनों GST लगेंगे, IGST भी और SGST जिसमें हमने डिस्काउंट दिया है, इसका प्रॉपर आपको मैं कैलकुलेशन भी देख सकती हूँ नीचे की साइड, हमने आपको शो किया लिस्ट प्राइस था कितना 15,000, देन उसमें हम डिस्काउंट देंगे, उसके बाद जो अमाउंट लगता है उस पर लगती है CGST SGST जो कि इक्वल लगती है, और जो कि इसमें ऐड हो जाएगा, देन उसके बाद 3% अगेन कैश डिस्काउंट दिया है, जो कि हम यहाँ पर कैलकुलेशन दिखा रहे हैं आपको। ठीक है, तो इस तरीके से आप GST वाले क्वेश्चंस करते हो, प्रॉपर वर्किंग नोट बना के डेबिट क्रेडिट सारा लिखना पड़ेगा, ताकि एक भी नंबर ना कटे आपके पेपर में। ठीक है दोस्त, ये हमारा हो गया 18 क्वेश्चन। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, व्हाट इज कंसिस्टेंसी प्रिंसिपल, जैसे मैंने बता रखा है, जो पुराने बच्चे देखते होंगे वीडियो, 101% भाई यहाँ चैप्टर से तो क्वेश्चन आएगा ही आएगा, कंसिस्टेंसी प्रिंसिपल या कोई सा भी प्रिंसिपल डिफाइन करने है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, तो इसका प्रॉपर वीडियो आपको मिल जाएगा मेरे चैनल पे, वहाँ से जाके आप देख सकते हो, प्रिंसिपल्स के शॉर्ट शॉर्ट नोट्स मैंने आपको बता रखे कैसे आप डिफाइन कर सकते हो। ठीक है, तो वहाँ से इनका आंसर आप देख सकते हो प्रॉपर। अगला कह रहा है डिफाइन डेटर और ग्रेटर में मतलब डिफरेंस बताना है, तो भाई डिफरेंस कैसे बताओगे दोस्त, बता देता हूँ मैं कैसे बताओगे, डेटर कौन पर्सन होता है, ग्रेटर कौन पर्सन होता है, तो यहाँ दिख रहा होगा आपको प्रॉपर आंसर। सबसे पहले तो मीनिंग, पर पर्सन और ऑर्गेनाइजेशन दैट आर लेबल टू पे मनी ऑफ फर्म कॉल्ड डेटर, पर्सन टू वूम द फर्म इज लेबल टू पे, एक में हमें पे करना है और एक में रिसीव करना है, डेटर से हमें रिसीव करना होता है, यहाँ पर हमें पे करना होता है, नेचर दे हैव डेबिट बैलेंस इन फर्म और इसका क्रेडिट बैलेंस होगा क्योंकि लायबिलिटी है, अमाउंट ड्यू टू रिसीव होता है और अमाउंट ड्यू टू मेड यहाँ पर पेमेंट की होती है, ये असेट में जाते हैं और ये लायबिलिटी में, सिंपल से ट्रीटमेंट और डिफरेंस बता दिया। 3 मार्क्स में आए तो 3 पॉइंट लिखो, 4 मार्क्स में आए 4 पॉइंट लिखो, 3 मार्क्स में अगर 4 पॉइंट भी लिख रहे हो तो कोई दिक्कत नहीं है, लिख सकते हो, एक्स्ट्रा लिखने में कुछ नहीं जा रहा, बट कम लिखोगे तो मार्क्स कट जाएंगे, प्रॉपर चार्ट बना के करना है आपको। तो ये दोस्त जैसे मैंने बताया 10 क्वेश्चन इसमें हमारे कंप्लीट हो गए 11 to 20, नेक्स्ट वीडियो लेके आऊँगा जिसमें हम करें होंगे 21 के बाद, तो आई होप आपको हेल्पफुल रहा वीडियो, नेक्स्ट पार्ट में हम प्रॉपर ये वाले क्वेश्चंस करेंगे, बैलेंस शीट वगैरह बनाने वाले, तो मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए दोस्त बाय बाय एंड टेक केयर।